दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर बड़े व्यक्ति या सेलिब्रिटी को अपनी अदालत के कटघरे में बैठाकर सवाल जवाब पूछते हैं और जिनका बचपन बहुत गरीबी से गुजरा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रजत शर्मा के बारे में। आज रजत शर्मा के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, तो नो बकवास, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राजपूत। रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली की सब्जी मंडी के क्षेत्र में हुआ था। इनके परिवार में 6 भाई और 1 बहन थी। वह माता पिता के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे और बताया जाता है कि वह छोटा सा कमरा 10x10 का ही था। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतने छोटे कमरे में इतने लोग एक साथ रह ले, ये संभव नहीं है, पर वो रहते थे। अब हिसाब से इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा होगा। जब रजत शर्मा छोटे थे तब उस ज़माने में बहुत कम टीवी होते थे, यानी कि 100 लोगों में से लगभग 2 लोगों के पास ही टीवी होता था। और रजत शर्मा का परिवार बहुत गरीब था, पर बच्चे रजत को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वे अपने पड़ोस में किसी दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे। उस समय दूरदर्शन पर मूवी 2 भाग में आती थी, पहला भाग शनिवार को और अगला भाग रविवार को आता था। रजत शर्मा शनिवार को पड़ोसी के घर मनोज कुमार की शहीद फिल्म का 1 भाग देखकर आए और बड़ी बेसब्री से रविवार का इंतजार किया। और जब रविवार को पड़ोसी के घर फिल्म का 2रा पार्ट देखने गए तो पड़ोसी ने दरवाजा बंद कर लिया और रजत शर्मा बिना मूवी देखे रोते रोते अपने घर आ गए। दोस्तों रजत शर्मा को ऐसे रोते देख उनके पापा ने उनके रोने का कारण पूछा तो रजत ने पूरी बात बताई। तब उनके पिता ने ऐसी बात कह दी जिससे रजत शर्मा की लाइफ बदल गई। पिता ने रजत को कहा कि बेटा, तुम किसी दूसरे को टीवी पर देखने के लिए किसी तीसरे के घर जाते हो, अगर तुम में दम है तो तुम खुद एक ऐसा काम करो कि तुझे टीवी पर देखने के लिए लोग आए। ये बात रजत शर्मा के दिलो दिमाग में छप गई और रजत शर्मा कठिन मेहनत करने लगी। अब बात कर लेते हैं रजत शर्मा की शिक्षा के बारे में। 1963 में सनातन धर्म मिडिल स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। इनके पास ना ही बिजली की सुविधा थी और ना ही पानी की सुविधा। छोटी उम्र में रजत को यह बात समझ आ गई थी कि इस गरीबी और तंगहाल जिंदगी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। इसलिए रजत सब्जी मंडी के पास वाले रेलवे स्टेशन के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। रजत बचपन से ही काफी होशियार थे, पर पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। 1971 में उन्होंने करोल बाग में रामजस कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी, पर पैसों की तंगी होने के कारण वो बस की फीस नहीं दे पाते थे। फिर इस कारण हर दिन वो पैदल सब्जी मंडी से करोल बाग का सफर करते थे। सन 1974 में उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। अभी तक उनकी तंगहाली चल ही रही थी, वो उनके पास फीस देने के पैसे तक नहीं थे। यहाँ पर उनकी फीस देने में मदद की उनके सीनियर दोस्त ने जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने, उनका नाम था अरुण जेटली। धीरे धीरे अरुण जेटली के साथ यहीं से उनकी दोस्ती अच्छी होती गई। रजत शर्मा पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छे थे, इसके अलावा उनको बहस करने, वाद विवाद करने, जबरदस्त भाषण देने में महारत हासिल थी। इस तरह रजत शर्मा ने राजनीति के साथ साथ चलते रहे और साथ में अपने बोलने की क्षमता और ज्ञान को निखारते गए। साल 1982 में रजत शर्मा पत्रकारिता की दुनिया में आ गए और उन्होंने ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर अपनी पहली कहानी ऑन कूलर मैगजीन के लिए लिखी। उन्हें इस कहानी को लिखने के लिए 300 रुपये मिले। पत्रकारिता में मेहनत से काम करने के कारण उनका 1884 में प्रमोशन हो गया और वो चीफ ब्यूरो बन गए। अगले साल वे एडिटर बन गए। रजत शर्मा 1989 से 1992 तक द डेली के एडिटर रहे और पत्रकारिता में शानदार काम करते रहे। 1995 में उन्होंने भारत के पहले प्राइवेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत की। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। प्राइवेट न्यूज बुलेटिन के कारण टेलीविजन न्यूज के क्षेत्र में निष्पक्षता और स्वतंत्रता आई और ये भारतीय टीवी और मीडिया के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सन 2004 में रजत ने अपनी बीवी रितु धवन के साथ शुरू किया अपना खुद का प्रोडक्शन जिसका नाम इंडिया टीवी है। इंडिया टीवी में रजत शर्मा ने इतना बेहतरीन काम किया कि इंडिया टीवी को वो एक अलग ही मुकाम पर ले गए। हालांकि इंडिया टीवी को चलाने में उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और फिर आपकी अदालत शो स्टार्ट किया। चलिए दोस्तों इस शानदार शो की कहानी शुरुआत से जानते हैं, क्योंकि ये शो बहुत ज़्यादा फेमस रहा और इस शो ने रजत शर्मा को खूब शोहरत और नाम दिलाया। दरअसल एक दिन रजत शर्मा जी न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और गुलशन ग्रोवर से मुलाकात करने के दौरान उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इंटरव्यू बिल्कुल उसी तरीके से लिया जाए जिस तरह से अदालत में सुनवाई होती है। उन्होंने इस ख्याल के बारे में सुभाष और गुलशन ग्रोवर को बताया और कुछ दिन बाद सुभाष ने उन्हें बुलाकर एक अदालत की तरह इंटरव्यू लेने की बात कही। और इस तरह 1993 में फरवरी में लालू प्रसाद यादव के साथ आपकी अदालत का पहला इंटरव्यू लिया गया। उस समय लालू प्रसाद यादव काफ़ी चर्चा में थे। रजत शर्मा के इस टीवी शो आपकी अदालत में भारत के मशहूर नेता, बिजनेसमैन, एक्टर, खिलाड़ी और जाने माने लोग आते हैं
और इतने सालों के बाद भी आपकी अदालत और रजत शर्मा को लोग बेहद पसंद करते हैं। साल 2014 में चुनाव के बिल्कुल पहले रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आपकी अदालत में लिया। इस इंटरव्यू ने टॉप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ लोगों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की इस चुनाव में जीत के पीछे आपकी अदालत में दिए गए इस इंटरव्यू का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इस इंटरव्यू को टीवी में देखने वाले लोगों से कम 70% लोगों ने देखा। इस इंटरव्यू के अंदर रजत शर्मा ने बेहद जोरदार सवाल पूछे और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन सवालों के ठीक ठीक जवाब देकर अपनी जीत की राह आसान कर ली थी। इंडिया टीवी के लिए 2 दिसंबर 2014 का दिन भी काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दिन आपकी अदालत ने अपने 21 साल पूरे किए और इस खुशी में आपकी अदालत के सेट में जो शो लोगों ने देखा उसका उनको खूब सालों से इंतजार था, पर कभी किसी शो, मूवी या रियल में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। दरअसल इस समारोह में हिस्सा बने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मशहूर गायक, समाज सेवक, टीवी जगत के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और तीनों खान एक साथ, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ कभी स्टेज पर किसी ने नहीं देखा था। तो कुछ अवार्ड भी है जो रजत शर्मा को मिले। रजत शर्मा को 2014 में तरुण क्रांति अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। साल 2015 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। रजत शर्मा को अपने शो आपकी अदालत के लिए कई बार बेस्ट एंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एवं इंडियन टेलीविजन एकेडमी लाइफटाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बायोग्राफी आप किसकी देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।